नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीचे सरोज। आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। नाला सुपारा के बिलालपाड़ा में खुला बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यालय। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय भी खुलते जा रहे हैं। उसी क्रम में वसई विरार मनपा क्षेत्र के नाला सुपारा स्थित बिलालपाड़ा में बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यालय खोला गया। कार्यालय का उद्घाटन पूर्व सभापति अब्दुल हक पटेल के हाथों किया गया। वहीं इस आयोजन में वसई विरार मनपा के महापौर रूपेश जाधव, सभापति किशोर पाटिल, सरिता प्रमोद दुबे, समाज सेवक भुट्टो, नगर सेविका दीक्षा घरत आदि उपस्थित थे। वहीं महापौर और पूर्व सभापति ने मीडिया को जानकारी दी। बहुजन विकास आघाड़ी का जो कार्यालय की आज ओपनिंग हुई है, ये आने वाले चुनाव के कोई दस्तक की एहसास तो नहीं करवा रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा यहाँ पे इतना काम है कि लोगों को बहुत दिन से इच्छा थी कि यहाँ करना है क्या, लेकिन कुछ हमारे लोगों को मसरूफियत की वजह से थोड़ा लेट हुआ है। इलेक्शन तो हमको ऐसे भी हम लोग जीतने ही वाले हैं। यहाँ का इलेक्शन हमारा, क्योंकि हम लोगों ने जो इधर काम किया है शायद किसी ने किया हो। इसके आगे देखो, अपने खासदार थे माजी खासदार बलिराम यादव साहब, उन्होंने 2800 करोड़ ला के दिया था पैसा यहाँ पे, वो सेंटर से मदद ला के दी थी। अभी के जो खासदार जितने भी आए, 500 रुपया नहीं दिया है, 500 रुपया तक नहीं दिया आज तक। अभी आप यहाँ से जब यहाँ का डेवलपमेंट सेंटर से भी पैसा आवे तभी होता है। हमारे महापौर साहब अभी दिल्ली गए थे और वो सब ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ करवाया है जो विरार के लिए। ये सब हमारा काम बोलता है, हमको नहीं बोलना है, ये पब्लिक हमको बोल रही है, हमारा काम बोलता है, इसके लिए इतने पब्लिक जमा हुई है। हमने यहाँ पानी की सुविधा भी सबको करके दी है और हमारा एम ऐसा है कि हर घर घर में पानी जाना चाहिए। दूसरी बात, हमारी माजी महापौर प्रवीण ठाकुर ने यहाँ पे कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज सबको ये देखा चालू किया है। हमारे लोग देखते अप्पा साहब ने ये घर का जो शास्ती भी दूर करवा दिया है, वो भी हम लोग शास्ती भी आते साल 2019-20 में शास्ती नहीं लगेगी, एक ही कर लगेगा। हाँ, जो स्टेट का कर है वो हम कम नहीं कर सकेंगे, जो महापालिका का हमने कम कर दिया है। अब देख रहे हैं कि आज बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यालय के उद्घाटन श्रीरामनगर में हो रही है। हमारे राहुल तिवारी जी है, वो अध्यक्ष है इस हमारे कार्यालय का। तो ये बहुजन विकास आघाड़ी का जो कार्यालय है, यहाँ पे हमारे जो अब्दुल हक पटेल जी है सभापति पूर्व, हमारी सरिता दुबे मैडम है, किशोर पाटिल सभापति है, कॉरपोरेटर है सब। यहाँ पे आप देख रहे हैं कई स्लम जो एरिया है, यहाँ पे पहले जो कुछ बिल्डर लोगों ने सुविधा नहीं किया था, मगर हमारे जब कॉरपोरेटर आए चुन के, तभी से ही इस एरिया का अच्छा डेवलपमेंट किया, रास्ते किए, गटर बनाए, स्ट्रीट लाइट लगाए, और अभी सबको जितने जो हमारे महानगर पालिका का टैक्स भरते उनको सबको पानी का कनेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ की जो जनता है उनको लोक नेता हितेंद्र ठाकुर साहब के ऊपर विश्वास है, और इसलिए आप किधर भी कोने कोने में जाओ, सब जगह पे बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यालय का उद्घाटन किया है और ओपनिंग हुआ है। और वो मेरे को एक अच्छा लगता है कि सिर्फ उद्घाटन करते हुए कार्यकर रुकते नहीं है, उनको ऑफिस कभी भी देखो वो लोगों से भरा हुआ रहता है। वहीं कार्यालय का कार्यभार राहुल तिवारी ने संभाला। उद्देश्य यही है हमारा कि हमारे लोगों का विकास हो, हमको नेतागिरी नहीं करना है, हमको लोगों के साथ काम करना है। बहुत लोग ने ऑफिस खोला नेतागिरी के लिए किया, हमको नेतागिरी के लिए नहीं, हमारे लोगों का विकास हो। गटर का, पानी का, लाइट का, किसी को कुछ जानकारी, जैसे काफ़ी लोग हैं जिन पढ़े लिखे नहीं होते, भटकते रहते हैं, उनके पास गए नहीं काम हो रहा है, 10,000 दो, 5,000 दो, ये काम वो काम करके लोग भगा देते हैं। इसलिए ये कार्यालय इसलिए खुला है कि यहाँ एक जागरूकता तरीके से लोगों को सही मार्गदर्शन दिया जाएगा और लोगों का कार्य किया जाएगा, जिससे हमारे बिलालपाड़ा का विकास हो सके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे बिलालपाड़ा में, आप पूरा एरिया में हमारे जाके आएंगे, कई जगह पर दोबारा तिबारा काम होता है, लेकिन हमारे बिलालपाड़ा में एक बार नहीं हुआ दोबारा का, तो बात ही खत्म करिए। आज पूरे एरिया में आप घूम जाएंगे तो गटर, यहाँ पर भी गटर का पानी जाने के लिए सुविधा नहीं दी गई है। चाचा ने काम किया है, काफ़ी काम, लाइट का काम किया है, चाचा ने पानी लाने तक का काम किया है। बहुजन विकास आघाड़ी अब आगे पानी के लिए काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं। वही सब प्रेरणा देखते हुए मैंने इनके साथ
अपने कार्यकर्ता लोगों को लेकर के इनके साथ मिले हम। और अब्बा जी का जो ये सोच है कि दूसरे की बुराई मत करो, कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है तो वो कार्यकर्ता अच्छा है, उसके साथ रहो, लोगों के साथ रहो और अच्छा कार्य करो। इस आयोजन में भारी तादाद में स्थानिक उपस्थित रहे। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।